मैं शीतल पाटिल, साइंटिस्ट सी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से। आज हम यहाँ पे टॉयज एंड इन्फेंट मर्चेंट एसोसिएशन एंड जो खिलौने के निर्माता है यहाँ पे राजकोट में, उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें कि हम उन्हें BIS के रूल्स रेगुलेशंस इसके बारे में बताएंगे, साथ ही साथ में BIS का लाइसेंस किस तरह से लिया जाए, हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल उसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स BIS का लाइसेंस लेना चाहते हैं उन्हें आगे आसानी हो। ये हमारा मेन पर्पस रहेगा आज के प्रोग्राम का। जी हाँ, हमारा जो BIS का प्रोसेस है लाइसेंसिंग का, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो हमारा साइट है manak.online.in, इस साइट पे जाके आप खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ISMR के लिए कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे कुकर हो, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो, इवन स्टील के प्रोडक्ट्स हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जिस पे ISMR लगता है, उसके लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आप इस साइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन प्रोसेस में ही आपका लाइसेंस ग्रांट होता है। टॉयज़ के व्यापारियों के लिए अभी करंटली QCO ऑर्डर निकला है, जिसके थ्रू DPPIT ने निकाला हुआ है ये सर्कुलर, जिसके थ्रू टॉयज़ जो है इंडिया में विदाउट ISMR बेचना ये इलीगल कर दिया गया है। सिर्फ बेचना ही नहीं, स्टोरेज, रिटेल, सब कुछ इसमें इलीगल हो चुका है। तो जब तक आपके पास में जो टॉय है वो ISMR नहीं है, तब तक आप उसको इंडिया में सेल ही नहीं कर सकते हैं। तो ये इस मीटिंग में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको किस तरह से ISMR लेना है, एंड जनरल एक अवेयरनेस रहेगा कि BIS के बारे में, कि BIS क्या काम करता है, एंड वही लाइसेंसिंग प्रक्रिया को हम अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करेंगे, जितना हो सके उतना हम ईजी बनाने का कोशिश करेंगे। बाकी कोई डाउट्स होंगे तो आगे से हम उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे हेड SD राणे सर, हमारे साइंटिस्ट डी मिस्टर कुणाल कुमार सर, एंड मैं यहाँ पे शीतल पाटिल, साइंटिस्ट सी। व्यापारियों को, मर्चेंट्स को ये फ़ायदा हो कि उनको रूल्स के बारे में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यापारियों का अभी भी ये है कि BIS क्या करता है इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, एंड ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है उसके बारे में उनको आइडिया नहीं है, ये उनको पता चलेगा। एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अभी करंटली विदाउट ISMR बेच रहे हैं, उनको इस पर पता चलेगा कि ISMR के लिए प्रोसेस क्या है, और जो लोग ऑलरेडी ISMR का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता चलेगा कि BIS की गाइडलाइंस क्या है, कि जिससे कि वो अपने लाइसेंस अच्छे से आगे ऑपरेट कर सके, ये उनको मददगार रहेगा समझने के लिए। ऑलरेडी हमने एक अहमदाबाद में ऐसा कार्यक्रम कर चुके हैं, आई थिंक लास्ट मंथ किया है हमने अहमदाबाद में, अभी राजकोट में कर रहे हैं, हो सकता है हम दूसरे रीजन्स जो है हमारे, अब ये राजकोट ब्रांच ऑफिस 1 जो है हमारा, ये अमरेली, बोटाड और राजकोट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट देखता है, राजकोट ब्रांच ऑफिस 2 बाकी पूरा सौराष्ट्र और कच्छ ये देखता है। तो बाकी का जो है राजकोट ब्रांच ऑफिस 2 के एरिया में जो आता है वहाँ पे भी शायद हम एक प्रोग्राम करने का कोशिश करेंगे। मारू नाम नयन दोषी छे अने हूँ टाइमानो वाइस प्रेसिडेंट छू। चेम्बर ऑफ कॉमर्स में अमारू टाइमानो एसोसिएशन छे टॉयज़ नू सौराष्ट्र कच्छ नू अने BIS डिपार्टमेंट, आ बे जणा एक अवेरनेस प्रोग्राम BIS माटेनो, टॉयज़ नी अंदर में जे BIS लागू पड़ो छे ते माटे दरेक जातना रिटेल दुकानदार, होलसेलर, मेन्युफेक्चरर जेने BIS नी जानकारी विषय अमे जणावा मांगीए छे। आ प्रोग्रामनी अंदर में पहला तो घणा बधा रिटेल दुकानदार, मेन्युफेक्चरर राजकोट, राजकोटनी बहारना सौराष्ट्र कच्छमांथी भी घणा बहारगामथी आव्या छे, लगभग 70-80 जणा अत्यारे पार्टिसिपेट थशे, अने साथे अमारी साथे BIS डिपार्टमेंटना 3 ऑफिसर छे साइंटिस्ट, ए सिवाय प्रेसिडेंट चेम्बरना जे प्रेसिडेंट छे ए पण हाजर रहेवाना छे। अने आ प्रोग्राम द्वारा BIS विषेनी जागृतता शा माटे जरूरी छे, BIS लाइसेंस માટેની એની શું પ્રોસિજર છે, શું ફીસ છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન દેવામાં, જે નોન BIS મટીરિયલ માર્કેટની અંદરમાં અવેલેબલ છે માર્કેટમાં એ કદાચ નીકળી જશે, BIS સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેનો માલ આવા મળશે માર્કેટની અંદરમાં, ક્વોલિટી ઇમ્પ્રૂવ થશે, ફ્યુચર સારું છે। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે અબ તકની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો અબ તક સાથે।